तो फ्रेंड पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर 4/T हो तो किस तरीका से जैकेट पाइपलाइन फिटिंग किया जाता है, या फिर एक तरफ फ्लैंज है और एक तरफ एल्बो है तो किस तरीका से जैकेट पाइपलाइन फिटिंग किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीका का अगर दोनों साइड में फ्लैंज आ रहा है और बीच में सिर्फ पाइप है तो किस तरीका से हम जैकेट पाइपलाइन फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीका से आपको ब्लाइंड फ्लैंज ले लेना है और उसमें होल कर लेना है, जितना साइज का छोटा वाला पाइप है उतना साइज का इसमें होल कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लैंच लिया गया है वो ब्लाइंड फ्लैंच है, उसमें जैसे मान लीजिए कि ये 4 इंच का पाइप है ब्लू वाला, उसी के साइज का हमने इसमें होल कर लिया है। और इसको क्या करें कि हम इसमें पहले फिटिंग कर लेंगे, स्लिप ऑन फ्लैंच जैसे लगता है अंदर पूरा घुसा करके वैसे ही आपको इसको फिटिंग करना है, सेम स्लिप ऑन फ्लैंच जैसा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जैकेट पाइप को हम फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इसको सामने से दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको फिटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये फिटिंग हो रहा है। जैकेट पाइप जो है आपको इस तरीके से इतना छोटा रखना है ऊपर वाला, ताकि इसमें हम अलग से और एक टुकड़ा पाइप हम लगा पाएँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरा वाला जो हमारा फ्लैंच है वो भी हम इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं। हमारा जैकेट पाइप है थोड़ा सा छोटा है अंदर वाले पाइप से, तो इस तरीके से हम स्लिप ऑन फ्लैंच जैसा हम इसको फिटिंग कर लेंगे, जैसे हम स्लिप ऑन फ्लैंच फिटिंग करते हैं। ये ब्लाइंड फ्लैंच के जरिए बनाया जाता है स्लिप ऑन फ्लैंच। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना हमारा यहाँ पर पाइप जो बच रहा है उसी साइज का हम पाइप कटिंग करेंगे, जितना ये ग्रीन वाला पाइप है उसी साइज का हम पाइप लेंगे। और हमारा दूरी देख लेंगे कितना इसमें दूरी है, उतना ही मेजरमेंट करके और इसको हम ऐसा ही 2 पार्ट में हम कटिंग कर लेंगे पाइप को। तो देख सकते हैं कैसे हमने इस पाइप को कटिंग किया है। तो इस तरीका से हम क्या करेंगे कि हम लगा लेंगे दोनों साइड से, दोनों को हम फिटिंग कर देंगे। इसमें चारों साइड से भी आपको मारना है, भी मार के इसमें लगाना है ताकि पाइप को हम अच्छे से ज्वाइंट कर पाएँ। इसमें आपको भी मार के लगाना है चारों साइड से, इस तरीके से लगा करके और इसको इसमें वेल्डिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है जैकेट पाइपलाइन जो है फिटिंग कर सकते हैं अगर दोनों साइड में फ्लैंज आ रहा है तो। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये फिटिंग हो गया। यहाँ पर आपको वेल्डिंग कर देना है, यहाँ पर वेल्डिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको फेब्रिकेशन कर लेना है। देख सकते हैं हमारा जैकेट पाइपलाइन तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आपको जो है फैब्रिकेशन कर लेना है। तो ये अगर आपको आसान तरीका लगा है तो आप इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपने तरीका से कुछ इससे भी अच्छा तरीका पता हो तो आप उस तरीका से फिटिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि पाइप को पूरा बीचों बीच जैकेट पाइप को बीचों बीच कटिंग करके पूरा पाइप को लगाया जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको पूरा पाइप को कटिंग नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ छोटा सा जो थोड़ा सा पाइप है सिर्फ उसी को कटिंग करना पड़ेगा, ऐसा हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।